बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अभी एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर पार्ट थ्री वीडियो है। अगर आपने पार्ट वन पार्ट टू को नहीं देखा तो पहले उसको भी देख लेना, तभी आपके अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर डिपेंडिंग अपॉन किस राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके बाइंड करते हैं तो उसको दो में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एक होता है 30S, एक होता है 50S। 30S पे जाके बाइंड करते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन। 50S पे जाके बाइंड करते हैं क्लोरामफेनिकोल, क्विनोप्रेस्टिन, डेल्फाप्रेस्टिन, जिनको स्ट्रेप्टोग्रामिन्स बताते हैं, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन मैक्रोलाइड जाके बाइंड करती है क्लिंडामाइसिन, लिनेजोलाइड है, टेलिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोग्रामिन है, ये सारे के सारे 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके बाइंड करती है, ओके। तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर, इसमें जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है वो टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल होती है, ओके। और जो माइनोग्लाइकोसाइड होती है एनारॉब्स के अगेंस्ट किसी भी काम की नहीं होती, ग्राम नेगेटिव के लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि बहुत सारी ड्रग्स होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर, ह्यूमन सेल को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि ह्यूमन सेल के अंदर जो हम कह सकते हैं कि 80S राइबोसोम होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया के पास 70S राइबोसोम होता है। 80S में भी 60 और 40S सब यूनिट होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर 50 और 30S राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं, ओके। अब आपको बता दिया था कि जो क्लोरामफेनिकोल मैक्रोलाइड्स में भी चार आ जाते हैं, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, फेडोक्सामाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन। और जो लैनिजोलाइड है ऑक्सालिडाइनोन वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है, लिनकोसामाइड है, टेलिथ्रोमाइसिन है जो कीटोलाइड वाली की फैमिली से बिलोंग करती है, क्लोरामफेनिकोल है 50S पे जाके बाइंड करती है, लेकिन जो टेट्रासाइक्लिन है माइनोग्लाइकोसाइड है 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके बाइंड करती है। अभी पूरा टेबल लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन हम वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले जो ड्रग लिखी हुई है वो है ड्रग्स डेट एक्ट ऑन 30S राइबोसोमल सब यूनिट। जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके बाइंड करती है वो होती है माइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें जो माइनोग्लाइकोसाइड होता है, कहते हैं कि माइनोग्लाइकोसाइड की एंट्री कराने वाला एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन डिपेंडेंट मीडियम होता है। इस ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट की वजह से ये अमाइनोग्लाइकोसाइड हमेशा एरोबिक के अंदर इस्तेमाल होती है, एनएरोबिक के अंदर इस्तेमाल नहीं होती। अमाइनोग्लाइकोसाइड कि हम कह सकते हैं कि पेनिसिलिन के साथ मिला के देती है, क्योंकि पेनिसिलिन की परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है और ये सिनर्जिस्टिक एक्शन हो जाता है। इनके चार मैकेनिज्म होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करने के लिए, ट्रांसलोकेशन, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को बने ना देना, पॉलीसोम को डिस्टरप्ट कर देना, mRNA की मिसरीडिंग करवा देना, ओके। और आपको ये भी पता है कि जो बैक्टीरियसाइडल एंटीबायोटिक्स होती है उनके पास दो फिनोमिना होते हैं, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग और टाइम डिपेंडेंट किलिंग। टाइम डिपेंडेंट किलिंग पेनिसिलिन की और सेफालोस्पोरिन की होती है, जिसमें इनकी जो इन वीवो एफिकेसी होती है, जितनी कंसंट्रेशन इनकी MIC से ऊपर होगी उतना इनकी किलिंग होगी, ठीक है। और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग में ये होगा कि जैसे प्लाज्मा लेवल MIC से बढ़ेगा उतना ये प्रोपोर्शन को बढ़ा देगी, ओके। तो ये सब चीज़ें माइनोग्लाइकोसाइड के अंदर आ जाती हैं। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से माइनोग्लाइकोसाइड को। तो माइनोग्लाइकोसाइड जो क्लिनिकल यूजेस के अंदर इंपॉर्टेंट है वो है जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन। इसका मिमोनिक होता है GTA/YCT। अमाइनोग्लाइकोसाइड बैक्टीरियसाइडल होती है, स्पेसिफिकली ग्राम नेगेटिव रोड्स के अगेंस्ट ज़्यादा काम करती है, वो भी एरोबिक वाले, ओके। और इसके अलावा जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये टीबी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी के अलावा प्लेग और टेलोरीमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जेंटामाइसिन को पेनिसिलिन जी के साथ मिला के देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंटेरोकोकस, लिस्टेरिया। और सोडोमोनास को ट्रीट करने के लिए हम इसको एम्पीसिलिन वगैरह के साथ मिला के दे देते हैं, ओके, ठीक हो गया। अमाइनोग्लाइकोसाइड को नेम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अमाइनो शुगर कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसको स्ट्रक्चर आपने याद करने की जरूरत नहीं होती। ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अगेंस्ट काम करती है, वो भी एरोबिक वाले। तो इसका मिमोनिक होता है KEESP3, ठीक है। K से बनेगा क्लैप्सिला, इसे एकुलाई और इसे एंटीरोबैक्टर। इन तीनों के पास एक और कॉमन प्रॉपर्टी भी है, वो ये है कि ये लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं। S से शिगेला बनेगा, P से प्रोटीएस, सूडोमोनास, ठीक है, ओके। ये सब चीज़ें बन जाएगा, शिगेला, साल्मोनेला वगैरह हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सॉरी, शिगेला नहीं बनेगा, सिरेशिया बनेगा। लेकिन ये माइनोग्लाइकोसाइड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरक्सिला कैटेरालिस और शिगेला के अगेंस्ट वैसे काम कर सकती है, लेकिन इनके लिए ड्रग का चॉइस नहीं होती। अब दो इंपॉर्टेंट मोड ऑफ एक्शन लिखे हुए हैं। पहला, माइनोग्लाइकोसाइड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है। दूसरा, mRNA की मिसरीडिंग करवा देती है। जो पहला वाला एक्शन है कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को बने ना देना, इसकी वजह से बैक्टीरियसाइडल एक्टिविटी रखती होती है। आपको पता है कि जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स 50S राइबोसोमल सब यूनिट, 30S और mRNA, इन तीनों को मिलाने की वजह से बनता है। लेकिन जब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ये फंक्शन नहीं करेंगे। जब ये फंक्शन नहीं करेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड भी नहीं बनेंगे, पॉलीसोम भी नहीं बनेंगे, ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा mRNA की मिसरीडिंग करवा देंगे, जिसकी वजह से खराब कोडोन आना शुरू हो जाएगा। अमाइनोग्लाइकोसाइड के लिमिटेशंस होती है इनके यूज़ के लिए। क्या लिमिटेशंस होती है? पहली बात, कि किडनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट होता है, किडनी के ऊपर और ऑडिटरी और वेस्टिबुलर फंक्शन के ऊपर। तो ये नेफ्रोटॉक्सिक होती है, न्यूरोटॉक्सिक होती है, ऑटोटॉक्सिक होती है, वेस्टिबुलर टॉक्सिक होती है, ओके।
टॉक्सिसिटी को अच्छी अवॉइड करने के लिए आप इनके सीरम लेवल को, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को, क्रिएटिनिन इनके लेवल को मेजर करते हैं। दूसरी बात की जीआईटी से पुअरली अब्जॉर्ब होती है, तो इनको हम ओरली नहीं देते बल्कि इनको हम इंट्रामिनस वाले फॉर्म के अंदर देते हैं। अब ये स्पाइनल फ्लूइड को पेनिट्रेट कर जाती है, तो इनको आप तो स्पाइनल फ्लूइड को सॉरी स्पाइनल फ्लूइड को पुअरली करती है, तो इनको इंट्राथीकली दिया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिनजाइटिस। एक ड्रग होती है एम्फोटेरिसिन बी और दूसरी ड्रग होती है ये वाली अमाइनोग्लाइकोसाइड, इनको इंट्राथीकली दिया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिनजाइटिस। ओके, और ये एनारोब्स के अगेंस्ट किसी भी काम की नहीं होती क्योंकि इनके ट्रांसपोर्ट रिक्वायर करती है ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया अमाइनोग्लाइकोसाइड। अब हम चलते हैं टेट्रासाइक्लिन की तरफ। जो टेट्रासाइक्लिन है बैक्टीरियोस्टैटिक वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ग्राम नेगेटिव है क्लैमिडिया, रिकेट्स या माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट काम करती है, स्पायरोकीट्स के अगेंस्ट भी काम करती होती है। इन्होंने प्रोटीन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना है, 50S राइबोसोमल सॉरी टेट्रासाइक्लिन है 30S पे जाके बाइंड करना होता है। क्लोरएम्फेनिकोल ने पेप्टिडाइल ट्रांसफरेस को ब्लॉक कर देना है, जबकि मैक्रोलाइड्स, टेलिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन इन्होंने करना क्या है, इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक कर देना है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक कर देना है। जो टेट्रासाइक्लिन होती है ये 30S राइबोसोमल सबयूनिट पे जाके बाइंड करती है और ये अमाइनो एसाइल टीआरएनए को आने नहीं देती एक्सेप्टर साइट के ऊपर, ए साइट के ऊपर आने नहीं देती। ठीक है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए को एक्सेप्टर साइट या ए साइट के ऊपर नहीं आने देती। लेकिन कहती है कि जो इसका सिलेक्टिव एक्शन होता है टेट्रासाइक्लिन का वो राइबोसोम के लेवल पे नहीं होता। ठीक है, यानी इसका कुछ और डिफरेंट एक्शन भी देखने को मिलते हैं, उसको आप छोड़ो। टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर आपने याद नहीं करने, लेकिन कहते हैं कि टेट्रासाइक्लिन को यूज़ करने की वजह से हमारे नॉर्मल फ्लोरा इंटेस्टिनल ट्रैक के वो सप्रेस हो जाते हैं। जब नॉर्मल फ्लोरा सप्रेस हो जाएगा तो सुपर इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। कैंडिडा का, स्टैफिलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन आ जाता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन आ जाता है। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। और ये भी लिखा है कि जो लैक्टोबैसिलस सप्रेस हो जाएगा तो उसकी वजह से कैंडिडा वगैरह हो जाएगा, और अगर जीआईटी के नॉर्मल फ्लोरा को सप्रेस कर देंगे तो डायरिया और पैथोजेनिक ओवरग्रोथ हो सकती है। ओके, अगर बच्चों के अंदर इस्तेमाल करते तो बच्चों के अंदर जो टूथ इनेमल डिस्प्लेजिया हो जाता है, बोन ग्रोथ इरेगुलरिटी आ जाती है, टीथ डिस्कलरेशन आना शुरू हो जाती है, क्राउन डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है। ओके, तो ये भी इनका टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा क्योंकि टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम चिलेटर्स होते हैं। इस वजह से जो टेट्रासाइक्लिन प्रेगनेंट वुमेन के अंदर और यंग चिल्ड्रन यंगर देन एट ईयर्स, तो इनके लिए टेट्रासाइक्लिन हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि टेट्रासाइक्लिन आयरन को भी चिलेट कर देती है, तो हम आयरन कंटेनिंग वाइटामिन के साथ भी इसको टेट्रासाइक्लिन को नहीं देते होते। ठीक हो गया, और इसके अब्जॉर्प्शन को इम्पेयर करने वाला फूड और मल्टीवैलेंट कैटायन होते हैं, कैल्शियम है, आयरन है, एलुमिनियम है। ओके, ठीक हो गया। और इसको यूज़ करने की वजह से आपको पता है कि फोटोसेंसिटिविटी हो सकती है, वेस्टिबुलर टॉक्सिटी हो सकती है। वेस्टिबुलर टॉक्सिटी में डिजीनेस, वर्टिगो हो जाती है, डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन की वजह से हो सकती है। फोटोसेंसिटिविटी डिमेक्लोसाइक्लिन की वजह से भी हो सकती है। ओके, और जो फैनकोनी सिंड्रोम है वो टीनोफोवर की वजह से भी हो सकता है, लीवर के अंदर नेक्रोसिस वगैरह करवा सकती है। इनके सिलेक्टिव यूजेस के अंदर ये हेलिकोबैक्टर पायलोरी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, टेट्रासाइक्लिन लाइम डिजीज के अंदर डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल होती है, मेनिनजोकोकल कैरियर स्टेट के अंदर मिनोसाइक्लिन इस्तेमाल होती है, डॉक्सीसाइक्लिन मलेरिया को ट्रीट करने के लिए और ओमाइबियासिस के लिए भी इस्तेमाल होती है, डिमेक्लोसाइक्लिन सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच के अंदर इस्तेमाल होती है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है टेगासाइक्लिन होती है। टेगासाइक्लिन ये ग्लाइसाइल साइक्लिन वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। अब ये उन ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट होती है, जिस तरह मर्सा स्ट्रेन है, वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकाई है, बीटा लैक्टेमेस प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं, एनारोब्स होते हैं, क्लैमिडिया है, माइकोबैक्टीरियम है, उनके अगेंस्ट इस्तेमाल होती है, यानी इन ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल होती है जो कि उसके लिए क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है टेट्रासाइक्लिन से। मर्सा लिखा हुआ है यहाँ पर, स्ट्रेप्टोकोकाई लिखा हुआ है, वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकाई लिखा हुआ है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स एंटेरिक लिखा हुआ है, बैक्टीरियोइड फ्रेजिलस एनारोब्स, इनके अगेंस्ट हम टेट्रासाइक्लिन को इस्तेमाल कर सकते होते हैं। ओके, अब इसके बाद कुछ और एंटीबायोटिक्स भी है जो हमारे किसी काम के नहीं है, आप उसको छोड़ देना। इसके बाद जो ड्रग्स होती है जो 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके बाइंड करती है, उसके अंदर जो ड्रग आती है पहले क्लोरएम्फेनिकोल, जिसने पेप्टिडाइल ट्रांसफरेस एंजाइम को ब्लॉक कर देना है, इसकी वजह से भी जीआईटी इरिटेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम हो सकता है, पीटीडब्ल्यू वाला ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। ओके, जो क्लोरएम्फेनिकोल होती है इसे प्रोटीन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना होता है बाई बाइंडिंग टू द 50S राइबोसोमल सब यूनिट और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेस के एक्शन को ब्लॉक कर देना है, न्यू पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेंगे। ओके, तो ये आपने याद रख लेना है। लेकिन क्लोरएम्फेनिकोल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपको बोन मैरो सप्रेशन देखने को मिलेगा। बोन मैरो सप्रेशन की वजह से आप कह सकते हो कि एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया हो जाएगा, ग्रैनुलोसाइटोपीनिया हो जाएगा। ठीक है, ग्रे बेबी सिंड्रोम भी हो सकता है ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेस की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसमें आरबीसी कम होकर साइनोसिस हो जाएगा, सीवीएस कोलैप्स हो जाएगा। क्लोरएम्फेनिकोल बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, लेकिन तीन ऑर्गेनिज्म के लिए एचबीएन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा निज़ेरिया मेनिनजाइटिस और बैक्टीरियोइड फ्रैजिलस के लिए ये बैक्टीरियोसाइडल बन जाती है। ठीक हो गया, ओके, क्लैमिडिया के लिए कैसे काम की नहीं होती, रिकेट्सिया के अगेंस्ट काम करती होती है, मेनली बैक्टीरियोस्टैटिक होती है लेकिन कुछ के लिए बैक्टीरियोसाइडल बन जाती है, तो मैंने बता दिया किन के लिए काम करती है।
तीन इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म जो कि मेनिनजाइटिस करवाते हैं, तो उसमें निमोनिक आता है शीन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और एनसेनेजेरिया मेनिनजाइटिस, और बुक में बैक्टीरियोइड्स भी लिखा हुआ है। इनके लिए भी ये क्या बन जाती है, ये बैक्टेरिसाइडल बन जाती है। ओके, अब इसके टॉक्सिक इफेक्ट में पहली बात लिखा है कि इसकी वजह से बोन मैरो सप्रेशन आ जाती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती है, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। ओके, ये हो सकता है, ए प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है जो कि इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है, ये डोज डिपेंडेंट नहीं होता। इसके अलावा ग्रे बेबी सिंड्रोम भी हो सकता है, जिसके अंदर इन्फेंट की स्किन ग्रे हो जाती है, वॉमिटिंग, शॉक होना शुरू हो जाता है, आरबीसी कम हो जाती है, साइनोसिस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इन्फेंट के अंदर ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेस एंजाइम नहीं होता जो इस ड्रग को मेटाबोलाइज करवाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं मैक्रोलाइड्स वाली कैटेगरी की तरफ। ओके, फिर मैक्रोलाइड्स वाली कैटेगरी कवर करने के बाद हम टेबल की तरफ जंप करेंगे। तो मैक्रोलाइड्स वाली कैटेगरी में मैक्रोलाइड्स बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स होती है। मैक्रोलाइड इसलिए कहा क्योंकि इनका रिंग होता है, कार्बन वाला रिंग काफ़ी बड़ा होता है, मैक्रोलाइड्स होता है। ठीक है, अब जो इनके थोड़े बहुत स्पेक्ट्रम वगैरह लिखे हुए हैं, एग्जाम में सवाल आता है कि एजिथ्रोमाइसिन और यूथ्रोमाइसिन में क्या फ़र्क होता है, तो आपने ये याद रखना है कि जो एजिथ्रोमाइसिन है इसकी अब्जॉर्प्शन फूड से कम हो जाती है, बाकियों की अब्जॉर्प्शन फूड से कम नहीं होती। एजिथ्रोमाइसिन का लेवल टिश्यू के अंदर और फैगोसाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, यानी इसका वीडियो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन फूड से इम्पीड हो जाती है। ओके, जो एजिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन अनचेंज फॉर्म एक्सक्रीट होती है और इसका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो होता है, 2 से लेकर 4 दिन इसकी हाफ लाइफ होती है, जबकि बाकियों की 2 या 6 घंटे हैं। इसकी हाफ लाइफ को रट्टा मारने का निमोनिक है ये 2, 4, 6, 2 होती है 2 घंटे होते हैं किसके, एरिथ्रोमाइसिन के होते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन के 6 घंटे होते हैं और 2 से लेकर 4 दिन होते हैं एजिथ्रोमाइसिन के, यूरिन के अंदर अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट होती है, जबकि बाकी वाली हम कह सकते हैं कि जो एरिथ्रोमाइसिन है बिलियरी एक्सक्रीशन, क्लेरिथ्रोमाइसिन यूरिनरी एक्सक्रीशन, जबकि अनचेंज फॉर्म में रिलीज हो जाती है यूरिन के अंदर। ओके, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। अब इनके जो स्पेक्ट्रम होता है, तो उसके स्पेक्ट्रम होता है CCL LCM होता है। ठीक है, ओके, तो या इसका हम यू भी याद कर सकते हैं, लव सी फोर, तो एल से लिस्टेरिया ल्यूजिनिला नेमोफिला, यू से यूरिया प्लाज्मा वेरलिटिकम, बी से बैक्टीरिया, ठीक है, बी से सॉरी बर्डोटीला पर्टियोसिस होती है, सी फोर है तो कॉन्डिबेटीरियम डिफ्थीरियाई, कंपैलाबैक्टर, क्लैमिडिया ट्राइकोमेटस और क्लैमिडिया निमोनियन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये मर्सा के लिए इस्तेमाल नहीं होती, PRSP के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ओके, इनके लिए इस्तेमाल नहीं होती। जो क्लेरिथ्रोमाइसिन यहाँ से देख रहे थे, जो एजिथ्रोमाइसिन होती है क्लैमिडिया ट्राइकोमेटस के लिए कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। जो कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया कहाँ से होता है, एटिपिकल निमोनिया करवाते हैं, जिसमें ल्यूजेनिला, माइकोप्लाज्मा, क्लैमिडिया निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आ जाती है, एटिपिकल और टिपिकल निमोनिया। इनके लिए कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया को ट्रीट करने के लिए क्लिंडामाइसिन और ये हम एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं। जो क्लेरिथ्रोमाइसिन होती है माइक्रोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स और हेलिकोबैक्टर पायलोरी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन क्लेरिथ्रोमाइसिन की वजह से क्यूट इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्यूट इंटरवल प्रोलॉन्ग होने की वजह से लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम हो जाएगा, बंदा मर भी सकता होता है। मैक्रोलाइड प्रोटीन के सिंथेसिस को ब्लॉक करती है बाय बाइंडिंग द 50S राइबोसोमल सब यूनिट, और ये असल में ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक कर देती है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ था लेकिन आपने ट्रांसलोकेशन को नोट कर लेना है। तो हम इनके टेबल को कवर करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, जो 30S पे जाके बाइंड करती है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, और इसके अंदर जो बैक्टीरियोसाइडल होती है, जो ट्रू बैक्टीरियोसाइडल है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड होती है, बाकी वाले जो बैक्टीरिया बाकी जो होती है वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्लोरामफेनिकोल हो सकती है, लेकिन स्ट्रेप्टोग्रामिन ये भी बैक्टीरियोसाइडल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला रिटम प्योमिलिन है, रिटम प्योमिलिन ये मिनी कैट्सन के दाने लिखा हुआ, ये इस्तेमाल होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन और मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टाफिलोकोकस ओरियस उनको ट्रीट करने के लिए टोपी के लिए अप्लाई होता है। इसके बाद है स्ट्रेप्टोग्रामिन, स्ट्रेप्टोग्रामिन इस्तेमाल होता है क्यूनिफेरिस्टिन और डेल्फोफेरिस्टिन को मिलाने से, बैक्टीरियोसाइडल है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है, तो ये मर्सा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट निमोकोकाई को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टाफिलोकोकस ओरियस एंड VRE उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया, इनकी वजह से आर्थ्रालजिया माइल्जिया सिंड्रोम हो जाती है, स्ट्रेप्टोग्रामिन साइटोक्रोम P450 3F4 को इनहिबिट कर देती है। ओके, इसके बाद है टेलिथ्रोमाइसिन, ये ट्रीट कर ये होती है कीटोराइड वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है, ये ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया, स्पेसिफिकली जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है, इसकी वजह से क्यूट इंटरवल बड़ा हो सकता है। ओके, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम हो सकता है। लीनेजोलाइड ऑक्सैलिडाइनिडानोन्स वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है, इसके अलावा टेडीजोलाइड है जो ऑक्सैलिडाइनिडानोन्स वाली कैटेगरी में आ जाता है। जो लीनेजोलाइड होती है लीनेजोलाइड इस्तेमाल होती है उन्हीं के लिए जो स्ट्रेप्टोग्रामिन इस्तेमाल होती थी, मर्सा के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, PRSP के लिए इस्तेमाल होती है और वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकाई इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन और कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरियाई ये भी स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं। ये ड्रग भी टेलिथ्रोमाइसिन साइटोक्रोम P450 3F4 को इनहिबिट कर देती है।
इसके बाद है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन इनकोसामाइड वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। ये एनारोबिक बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, फॉर एग्जांपल क्लिस्ट्रीडियम परफ्रिंजियंस और बैक्टीरियोइड फ्रेजिलस। लेकिन परफ्रिंजियस को तो ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन क्लिस्ट्रीडियम डेफिसिट वाला इन्फेक्शन हो जाता है जिसको बोलते हैं स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। या निमोसिस्टर जीरो बैकाई को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, और हम पिरामिथमिन के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसके बाद है मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स का मैंने आपको बताया था कि एजिथ्रोमाइसिन का 4 दिन का कोर्स होता है कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया में, और एक डोज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लैमिडिया ट्राइकोमैटिस। रिथ्रोमाइसिन के लिए मैंने बताया था लब C4, ठीक है, ये निमोनिक बताया था। क्लारिथ्रोमाइसिन माइक्रोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी वजह से लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम हो सकता है, कोलिस्टेटिक जॉन्डस हो सकता है, डायरिया वगैरह हो सकता है। ओके, स्पेसिफिकली एरिथ्रोमाइसिन एस्कोलेट की वजह से कोलिस्टेटिक जॉन्डस हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। क्लोरामफेनिकोल ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को ब्लॉक करती थी, ठीक है, तो ये इस्तेमाल होती है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो हमारे होते हैं जो इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेनिनजाइटिस हो गया, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियोइड्स है। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी वजह से बोन मैरो एप्लीजिया हो जाता है। जो टेट्रासाइक्लिन में डॉक्सीसाइक्लिन है, रिकेट्सिया क्लैमिडिया इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, और माइकोप्लाज्मा निमोनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्रेगनेंसी में इसलिए नहीं देते क्योंकि टूथ इनेमल डिस्प्लेसिया करवा देती है, टूथ की डिस्कलरेशन वगैरह करवाना शुरू कर देती है। ओके, अब अमाइनोग्लाइकोसाइड, अमाइनोग्लाइकोसाइड में के डिफरेंट क्लिनिकल यूजेस आ जाते हैं। जो GTA वाले हैं इनका तो बता दिए, SP3 और KE वाला यूज आ जाता है। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है TB के लिए, टुलरीमिया के लिए, और प्लैग वगैरह के लिए ट्रीट होती है, ब्रुसिलोसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो टीबी के मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन होती है उसको ट्रीट करने के लिए अमेकेसिन यूज़ करते हैं। नियोमाइसिन और कैनामाइसिन ये बोवल फ्लोरा को एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, जो नेटलमाइसिन है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक का यूज़ नहीं करते, स्पेक्टिनोमाइसिन ग्रोरिया में इस्तेमाल करते हैं, अल्टरनेटिव एजेंट टू बीटा लैक्टम। ओके, बीटा लैक्टम एजेंट अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। और आपको ये भी चीज़ बताता जाऊँ कि जो एरिथ्रोमाइसिन होता है, सॉरी एजिथ्रोमाइसिन होता है, ये भी ग्नोरिया में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब सेफ्ट्रियोक्सोन खराब हो जाए या साइफिलस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब पेनिसिलिन जी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाए तो एजिथ्रोमाइसिन एक अल्टरनेटिव ड्रग के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। और बाकी इनके फंक्शंस क्या होते हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को ब्लॉक करने वाली क्लोरामफेनिकोल होती है, टी आर एन ए अमाइनो एसिड टी आर एन ए कॉम्प्लेक्स को बाइंड करने वाली टेट्रासाइक्लिन अमाइनोग्लाइकोसाइड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को बने नहीं देती, मिसरीडिंग करवा देती है। मैक्रोलाइट ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक कर देती है, क्लिंडामाइसिन पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है, लिनाजोलाइड अर्ली स्टेप को ब्लॉक कर देती है। टेलिथ्रोमाइसिन का बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मैक्रोलाइट्स का होता है, स्टेप्टोग्रामिन्स प्री मैच्योर रिलीज करवा देती है पेप्टाइड चेन का। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हो जाएगा, फिर बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक ये भी हम कवर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ तक तो हमने इनहिबिटर और प्रोटीन सिंथेसिस पर लिया है, लेकिन एक ड्रग होती है उसका नाम है मीपोरोसिन। मीपोरोसिन tRNA के सिंथेटेज को ब्लॉक कर देती है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई स्पेसिफिकली मर्सा और MSSA, मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टाफिलोकोकस ओरियस उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो स्टाफिलोकोकस ओरियस की नेजल कैरियज को ब्लॉक करने के लिए हम जो ड्रग यूज़ करते हैं उसका नाम है मीपोरोसिन। ओके, मीपोरोसिन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये Part 3 वीडियो था, इंशाल्लाह ताला Part 4 वीडियो आएगा जिसके अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को वन सेकेंड लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ बोल दे रहा हूँ तो अपने स्पीड को स्लो कर देना सेटिंग वाले ऑप्शन में जाके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।